हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास पोर्टेबल वन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हमारे यूपी में अभी भी, मतलब आसाम में अगर 4-5 बजने लगे ना तो धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, पर यहाँ तो शाम 6-6:30 बजे तक सूरज रहता ही है। यूपी वालों को पता होगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाने वाली थी, बहुत ही स्पेशल चीज, पर वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं घर पे लाइट की दिक्कत है। लाइट मतलब करंट वैसे है, बट हमारे कमरे की जो बत्ती है वो गुल है, यानी कि जो लाइट है ये ख़राब है मेरे कमरे की, तो इसीलिए मैं नहीं बना पा। हस्बैंड ठीक करेंगे इसको, जो बल्ब है वो लाना पड़ेगा, होल्डर वगैरह ख़राब हुआ है वो ठीक करेंगे, वो दुकान पे हैं वैसे। और हमारे पापा जी यानी कि मेरे जो ससुर जी हैं वो चंडीगढ़ गए हैं, तो एक रिलेटिव के यहाँ, तो उनके पीछे से दुकान संभालना होता है, तो ये दोनों भाई मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड जी संभालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर ली जाए। जो दिखाना होगा वो कल देख लेंगे, दिखा देंगे। तो आप लोगों में से किसी ने मुझसे कहा था, बहुत ही अहम सवाल है, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपको माँ की याद आती है या नहीं है। तो भाई, ऐसा कौन सा इंसान होगा, कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ को याद नहीं करेगी, स्पेशली तब जब उसकी शादी हो जाए, और स्पेशली तब जब वो अपने घर से 2000 किलोमीटर की दूरी पे एक अलग स्टेट से लेके एक अलग स्टेट पे जाके रहने लगे। मैं कहाँ आसाम रहती थी और कहाँ मैं यूपी आके बस गई। 2000 किलोमीटर का फासला तय करके मैं यहाँ आई और यहाँ आके अभी मेरी शादी के 2 महीने ही हुए हैं, 3 महीने होने वाले हैं, मतलब मार्च के 4 तारीख को 3 महीने कंप्लीट हो गए। तो वैसे मैं अपनी माँ को याद ना करूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ माँ को याद नहीं करती, और कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे ख्याल से शायद ही होगा जो अपनी माँ को याद नहीं करता होगा। कौन आया गौरव? कोई फ़ोन आ रहा था, पता नहीं नंबर था। तो मैं ये कह रही थी कि दिन में 4-5 बारी मैं अपने घर पे कॉल करती हूँ, माँ से बात करती हूँ, और कितना भी बात करूँ समय कम लगता है, बात बहुत कम हुई है ऐसा लगता है। क्या करूँ, मन तो करता है कि दौड़ के चली जाऊँ घर वालों के पास। घर वालों की बहुत याद आती है, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। कहते हैं ना कि कृष्ण की 2 माँ थी, पर मैं कहती हूँ कि हम सभी औरतें कृष्ण हैं। यहाँ पे हम सभी औरतें कृष्ण हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, क्योंकि हम एक जन्मदात्री को छोड़ के, जिसने हमें जन्म दिया, देवकी को छोड़ के, जिन्होंने जो हमारी पहली शिक्षिका भी रह चुकी होती हैं। माता एक पहली शिक्षिका होती है, टीचर होती है, जिन्होंने जन्म कर्म दिया होता है, दुनिया दिखाई होती है, उन्हें छोड़ के हम फिर शादी वादी करके एक बंधन में बंध के हम यशोदा के पास आते हैं, यानी कि सास के रूप में हमें यशोदा मिलती हैं। तो वो भी माँ ही है, जब मेरे हस्बैंड की माँ है तो मेरी भी तो माँ हुई ना। बस बात ये है कि एक माँ के लिए, एक माँ को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक संतान के लिए, स्पेशली एक बेटी के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। मैं बोलो तो बोलूँ कैसे, मतलब मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहा है और मैं बहुत अंदर से भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस अभी मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ज़रिए उनको दुख हो। अगर वो वीडियो देखे तो मैं बता दूँ आप सभी को, मैं बहुत मिस करती हूँ। और मेरे पास कहने को क्या है, हर बेटी मतलब वही समझ सकते हैं जिनकी शादी हुई होती है, या मेरी माँ जी क्या ले आई हूँ अच्छा मेरी माँ जी चाय लेके आई है बताइए। ये भी बहुत बहुत ख्याल रखती हैं, मतलब इनको देख के ऐसा लगता है कि मेरी माँ यही है, क्योंकि ये कहीं से भी मेरी माँ से कम नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्यों माँ की बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं रिश्तों के मामले में बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। मैं
मेरे पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए। देखिए मैं जो भी लोग यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि अपनी माँ की कद्र किया करिए, उन्हें समय दिया करिए, क्योंकि माँ जो है ना दुनिया का हर एक सुख एक तरफ और एक माँ का सुख एक तरफ। क्योंकि आज मैं भी एक घर की बेटी थी, बेटी हूँ, बहू हूँ, बीवी हूँ, बहन हूँ, अभी तो चाची मामी सब बन गई, इस उम्र में दादी भी बन गई लेकिन माँ बनना भी बाकी है, मैं भी कभी माँ बनूंगी। तो हम अगर कद्र करेंगे तभी हमारी भी कद्र होगी ना, क्योंकि हम जो बोते हैं वही हम पाते हैं। अगर हम घर के आंगन में बबूल का पेड़ लगाएंगे, बोएंगे ना, तो वो बड़े होकर कांटा ही देगा, क्योंकि बबूल में तो कांटे ही रहते हैं। अगर हम फूल के पौधा लगाएंगे तभी तो हमें फूल मिलेगा, फल का पौधा लगाएंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। तो हम जैसा करते हैं वैसा ही हम बढ़ते हैं, जैसा हम देते हैं वही हमको मिलता है बैक में। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। तो माँ किसी की भी हो, माँ का कद्र करें, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी खुद की माँ हो, ऐसा नहीं, अंतर ना करें कि ये मेरी सास है, ये मेरी माँ है, ऐसा नहीं। अभी तो आप लोगों ने देखा मेरी माँ जी, ये देखिए, आप मानेंगे नहीं, मेरी माँ जी भी मुझे चाय दे के गई है, ये देखिए चाय, अभी उन्होंने चाय बनाई, उन्होंने मुझसे कहा भी नहीं है कि चाय। सेम वैसा ही मेरी माँ भी मेरे बिना कहे मुझे चाय ला के दे देती थी, मेरे बिना कहे जो मुझे पसंद है वो ला के दे देती थी, बिना कहे मेरे दुख दर्द को समझ लेती थी, अब भी समझती है। माँ तो माँ ही होती है यार, माँ के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे, माँ के लिए कहना बहुत, मतलब अभी हिसाब से अगर कहूँ तो मतलब कोई भी शब्द नहीं है, कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसे हम बोल के माँ शब्द को कंप्लीट कर सके, उसकी परिभाषा को कंप्लीट कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माँ, अगर माँ मेरी वीडियो देख रही तो माँ आई लव यू। हालांकि पति भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, माँ जी भी बहुत केयर करते हैं, घर वाले सारे अच्छे हैं, बट माँ तो माँ ही होती है ना माँ माँ होती हैं, एक माँ को छोड़ के एक माँ को पाया है, लेकिन इस माँ के लिए उस माँ को नहीं छोड़ सकती, नहीं भूल सकती, और उस माँ के लिए इस माँ को नहीं भूल सकती, मेरे लिए दोनों बराबर है। तो बस एक मैंने गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो उस पर मैंने लिप सिंग में रील बना लिया, तो एक उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा, मैं अपनी वॉइस में गा के दिखा दूंगी, सुना दूंगी, सॉरी, तो आप सुनिएगा। वो उस पर मैंने रील बनाया था कल, तो मैं खुद बहुत भावुक हो गई थी, मैं लिप सिंग कम्प्लीट ही नहीं कर पाई, आधे में ही मुझे वीडियो कट करना पड़ा। तो आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम पर जाके मुनिया भास्कर ट्रिपल वन इसी नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, यहाँ पे भी डाल दूँगी, तो यहाँ मैं अपने वॉइस पे डालूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कम कहना है कि मेरी वॉइस जो है अच्छी है। तो वैसे तो अभी सर्दी हो रही है, फिर भी मैं गा के सुनाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यही पेंड करती हूँ, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।